I'm using IQ Neo 7 5G since 2 weeks and I have found best 3 things about this phone. First, processing power. IQ Neo 7 5G comes with Dimensity 8200 and this was the first phone that came up with that processor. In my previous video, I have shown you how good processor is this. If you haven't watched that video, please watch now. I'll provide the link in the top right corner and in the description also. The second and third point is fast charging and battery backup. IQ Neo 7 5G comes with 5000mAh battery and a 120W fast charger. Now let's see how much we get backup from this phone, starting with now. Hey guys, this is Asis and you are watching Flowtech. Remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette. Hey guys, let me show you how to zara kabhi meri Here are the results. IQ Neo 7 5G से हमें बैटरी बैकअप मिली है करीब 7 घंटे 45 मिनट की, which is pretty awesome considering I was using this phone at 120Hz. और एक चीज़ आप अगर नोटिस करें तो मैंने इसे 1 घंटा 4K वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो जनरली पीपल लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. दो चीज़ें हैं, पहला तो फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, दूसरा आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है और आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. तो अगर आप 1080p में रिकॉर्ड करते हैं, मैं भी अपनी सारी वीडियो 1080p पे ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप उसमें 1 आवर और ऐड कर सकते हैं, तो करीब करीब आपको 8.5 घंटे का आपको IQ Neo 7 से बैटरी बैकअप मिल जाएगा. दैट मीन्स कि अगर आप सुबह एक बार चार्ज करके इसे निकलते हैं तो आपको दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. नाउ अब इसे चार्ज करके देखते हैं कि IQ कितना फास्ट चार्ज होता है. IQ की कंपनी क्लेम करती है कि आप इसे 10 मिनट में 50% चार्ज कर सकते हैं, तो वो भी चेक करेंगे कि 10 मिनट में 50% एक्चुअली चार्ज होता है या नहीं और पूरा चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है इसे. IQ को 100% फुल चार्ज होने में जो टाइम लगा है वो है करीब 27 मिनट
और कंपनी ने जैसा क्लेम किया था कि 10 मिनट में आप इसे 50% चार्ज कर सकते हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने भी चार्ज करके टेस्ट किया, जब मैंने इसे चार्ज में लगाया था तो ये 3% पे था और 10 मिनट के बाद ये 55 पे, तो 55 माइनस 3 हो जाते हैं 52%, तो 50% से ज़्यादा ही है। अगर आपका फ़ोन 10 मिनट में चार्ज हो रहा है तो ये बहुत गजब वाली बात है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग नॉर्मल लगता है कि अरे यार सभी फ़ोन में फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, तो आप सैमसंग यूज़र एंड आईफोन यूज़र से पूछो कि फास्ट चार्जिंग की अहमियत क्या है जो मैं झेलता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिंदा रहा अगर मैं तो आपसे दोबारा मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।